हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जी लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा करी थी और उसमें हमारा ये आधा ही रह पाया था। जैसे हमने डिस्कस करा था, इसमें चार यूनिट में डिवाइड किया, किसमें MHRD ने इसे चार यूनिट में डिवाइड किया। पहला स्कूल एजुकेशन, दूसरा हायर एजुकेशन, तीसरा जो था हमारा टेक्निकल वगैरह एजुकेशन जो एक्स्ट्रा थे, और चौथा यूनिट में डिवाइड किया। तो एक यूनिट हायर आपका स्कूल एजुकेशन वाला हमने कर लिया था। आज जो हम लोग पीडीएफ से करने वाले हैं वो है हायर एजुकेशन वाला। मैं आपको बता दूं कि ये पीडीएफ में ऑलरेडी मैंने सारा हाईलाइट कर रखा है। तो आपको करना क्या है, मैं ये पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, नेट वाले भैया पे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको सिर्फ जो मैंने हाईलाइट किया है उसको नोट डाउन कर लेना और उसी को याद करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्योंकि ये 64-66 पेज का पीडीएफ पूरा है, उसमें मैंने जो बेस्ट था, बेस्ट जहां से पूछा गया है और पूछा जा सकता है, वो दोनों चीज मैंने हाईलाइट कर दिया है। आपको थोड़ी सी कम मेहनत करने की जरूरत इसमें मिलेगी आपको, ठीक है। हाँ जी, तो मैं पीडीएफ डाल देता हूं, चलिए शुरू करते हैं। क्या हायर एजुकेशन, आइएगा जी, ये देखिएगा। सबसे पहले क्या है, बोला हायर एजुकेशन में क्वालिटी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज की बात करी गई। बोला एक न्यू और फॉरवर्ड लुकिंग विजन फॉर इंडिया हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए तैयार किया गया कि इंडिया में एक बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम एक नई तरीके से बनाई जाएगी हायर इंस्टीट्यूशन के लिए। आइए देखिए उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। देखिए क्या बोला, सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम करंटली फेस्ड बाय द हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कुछ मेजर प्रॉब्लम है ना, वो पूछ देगा कि भाई साहब कौन कौन सा मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि एनटीए का कुछ भरोसा नहीं भाई साहब, कुछ भी पूछ सकता है, और अभी ये रिसेंट टॉपिक है तो ज्यादा पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं इसको। क्या बोला कि अ सेवरली फ्रेगमेंटेड हायर एजुकेशन इकोसिस्टम है, ठीक है। लेस इंफेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स एंड लर्निंग आउटकम्स पर, रिजिड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन है, लिमिटेड एक्सेस है पर्टिकुलरली सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरिया पे, लिमिटेड टीचर इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी होगा, यानी कि बहुत ज्यादा टीचर्स नहीं चाहिए भाई। 25 एक का था किसके लिए सर, आपके जिसके पास लार्जर एरिया था स्कूल एजुकेशन में, याद है। और 30 एक का था किसके लिए, जिसके पास स्मॉलर एरिया है, उसमें 30 स्टूडेंट पे एक टीचर, लार्जर एरिया पे 25 स्टूडेंट पे एक टीचर, ये दिया गया था। कह रहा है इन एडेक्वेट मैकेनिज्म था मेरिट बेस्ड करियर मैनेजमेंट के लिए, लेसर एम्फेसिस होगा रिसर्च पर, सब ऑप्टिमल गवर्नेंस लीडरशिप हायर एजुकेशन पे होगा, एन इफेक्टिव रेगुलेटरी सिस्टम होगा, और लार्ज एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज होंगी जो लो स्टैंडर्ड ऑफ अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन को देखेंगे। अब क्या ये टॉपिक भाई साहब, इसको मतलब ना आंख नाक कान मुंह सब बंद करके इसको याद कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर से लिख कर दे रहा हूं। देखिए ये क्या है, बेसिकली प्रिंसिपल है। कह रहा है दिस पॉलिसी इन्विजन्स अ कंप्लीट ओवरऑल री इनर्जाइजिंग द हायर एजुकेशन सिस्टम टू द ओवरकम दीज चैलेंजेस एंड देयर बाय डिलीवर हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन विद द इक्विटी एंड इंक्लूजन। इक्विटी और इंक्लूजन के साथ हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन कैसा दिया उसके बारे में बताया गया। बट द पॉलिसी विजन इंक्लूड्स फॉलोइंग की चेंजेस टू द करंट सिस्टम। करंट सिस्टम में क्या क्या चेंजेस किए गए, वो 8 पॉइंट है आपके पास, वो 9 पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ध्यान रखिएगा। कह रहा है मूविंग टुवर्ड्स अ हायर एजुकेशनल सिस्टम कंसिस्टिंग अ लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस विद अ लिस्ट वन और नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट विद अ मोर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया दैट ऑफर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स इन द लोकल इंडियन लैंग्वेज। बोला भाई साहब हायर एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनाया जाएगा जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज होंगी, कॉलेज होगा, और कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा जरूर होगा, और पूरे ऐसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होंगे अक्रॉस इंडिया होंगे जो आपके लैंग्वेज में आपको पढ़ाई देंगे, आपके लैंग्वेज में वो चीजें पढ़ाई जाएगी। तो एक पॉइंट ये, दूसरा कह रहा है मूविंग टुवर्ड्स अ मोर मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। तो ये क्या, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी आपका एजुकेशन वाले चीजें शुरुआत की जाएगी। कह रहा है मूविंग टुवर्ड्स, आगे मूव करेंगे फैकल्टी और इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी पे, फैकल्टी और इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी पे भी ध्यान दिया जाएगा। कह रहा है रीमैपिंग करिकुलम पेडागोजी असेसमेंट स्टूडेंट सपोर्ट फॉर एनहांस्ड स्टूडेंट एक्सपीरियंस पे ये भी काम किया जाएगा। रीफॉर्मिंग इंटीग्रिटी पे भी ध्यान दिया जाएगा। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF का भी एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, जहां आपको क्या करना है टू फंड आउटस्टैंडिंग पीयर रिव्यूड रिसर्च एंड टू एक्टिवली सीड द रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज एंड
कॉलेजेस। तो क्या करना है, यहाँ NRF फाइंड किया जाएगा, जहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग पीयर रिव्यूड रिसर्च मिल जाएंगे और एक्टिवली यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज में ये काम करेगा। फिर क्या है, गवर्नेंस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाय द हाई क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट बोर्ड्स हैविंग एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। तो बोल रहा है गवर्नेंस होगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए हाई क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट बॉडी का। थोड़ा लाइट बट टाइट रेगुलेशन होगा, सिंगल रेगुलेटर सिस्टम फॉर हायर एजुकेशन, एक सिंगल रेगुलेटर सिस्टम होगा हायर एजुकेशन के लिए। क्या इंक्रीज्ड एक्सेस इक्विटी एंड इंक्लूजन थ्रू अ रेंज ऑफ मेजर्स। तो इंक्रीज करेंगे क्या एक्सेस इक्विटी एंड इंक्लूजन एक रेंज ऑफ मेजर्स से, क्या इंक्लूडिंग ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर आउटस्टैंडिंग पब्लिक एजुकेशन, स्कॉलरशिप बाय प्राइवेट एंड फिलेंट्रॉफिक यूनिवर्सिटीज, डिसएडवांटेज एंड अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सारा क्या डिस्टेंस लर्निंग ODL ओपन डिस्टेंस लर्निंग पे भी ध्यान दिया जाएगा, फिर लर्निंग मटेरियल्स पे भी ध्यान दिया जाएगा। ये बेसिक काम था, इसको याद रख लीजिएगा, ये 9 पॉइंट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, अब आइए यहाँ पे क्या कह रहा है, यूनिवर्सिटी विल मीन अ मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग दैट ऑफर्स द अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स विथ हाई क्वालिटी टीचिंग रिसर्च कम्युनिटी एंड मैनेजमेंट। बोला भाई साहब देखिए, जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी का क्या मतलब हुआ, तो मल्टी डिसिप्लिनरी बोला एक यूनिवर्सिटी में मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन का मतलब कि ऐसा जो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों के लिए प्रोग्राम लाएगा जिसमें जो क्वालिटी होगी टीचिंग की वो हाई होगी, रिसर्च उसमें ज्यादा होंगे, है ना, कम्युनिटी का एंगेजमेंट ज्यादा होगा, वैसा काम किया जाएगा। रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज अब बनाई जाएंगी, मतलब आगे जो यूनिवर्सिटीज होंगी वो रिसर्च इंटेंसिव होगी, टीचर इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी, ये इसी में मेंशन है, बस और कुछ नहीं। फिर क्या कह रहा है, बाय 2040 ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल एम टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन। तो 2040 तक सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएंगे और शैल एम टू हैव लार्जर स्टूडेंट एनरोलमेंट और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को एनरोल करा पाएंगे। कह रहा है द एम विल बी इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग द वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम 26.3% 2018 टू 50% बाई 2035। तो ये सिंपल सा बात बोला, जैसे देखिए आपका दो स्कूल एजुकेशन की बात करें तो वहाँ 100% एनरोलमेंट रेशियो करना था कहाँ तक, 2030 तक, लेकिन यहाँ की बात करें अगर हायर एजुकेशन की तो बोला 26.3% था 2018 में, अब उसको 2035 तक 50% ले जाना है, इसकी एनरोलमेंट रेशियो इतनी बढ़ा देनी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा कह रहा था ओवरऑल हायर एजुकेशन विल एम टू एम इंटीग्रेटेड हायर एजुकेशन सिस्टम, ये इंटीग्रेटेड हायर एजुकेशन सिस्टम होगा। कह रहा था प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द कंट्री सच ए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। तो जो प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का, अफिलेटिंग यूनिवर्सिटी का, अफिलेटेड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का, यूनिटरी यूनिवर्सिटी का, शैल बी रिप्लेस्ड सिंपली यूनिवर्सिटी। तो ये सारा जो झंझट है ना, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, अफिलेटिंग यूनिवर्सिटी, अफिलेटिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यूनिटरी यूनिवर्सिटी, इसको एकदम सिंपल एक भाषा में कह दिया जाएगा यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये बात ये ध्यान रखिएगा। चलिए कह रहा है स्टीम लर्निंग पे ध्यान दिया जाएगा, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये इस पे ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट चले, हाँ जी सर चलिए देखिए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन विल बी इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक एथिकल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, ट्रूथ सत्य राइटिजियस कंडक्ट धर्म पीस शांति लव प्रेम नॉन वायलेंस अहिंसा। तो ये पांच चीज पर बेस्ड क्या होगा आपका, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होगा, किस किस पर, सत्य पर, धर्म पर, शांति पर, प्रेम पर और अहिंसा, ठीक है, अहिंसा पर। तो ये बात किसने कहाँ पे है सर, हायर एजुकेशन में बात की गई है, तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात करी गई और ये पांच पॉइंट लिख लेना, पूछा जा सकता है क्या क्या। सर फर्स्ट इज ट्रूथ, सेकेंड इज राइटिजियस कंडक्ट, थर्ड इज पीस, फोर्थ इज लव एंड फिफ्थ इज नॉन वायलेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, साइंटिफिक टेंपर, सिटीजनशिप वैल्यूज, ऑल्सो लाइफ स्किल्स, लेशंस, ये सारे चीजों जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेवा या सर्विस, इसके बारे में भी ध्यान दिया गया है। ठीक है, एंड पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स विल बी कंसीडर्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन। अब देखिए नेक्स्ट समझिएगा, ये स्ट्रक्चर एंड लेंथ ऑफ द डिग्री प्रोग्राम्स, डिग्री प्रोग्राम्स के लिए भी चेंजेस किया गया है, क्या कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी आइदर 3 or 4 years का एजुकेशन होगा, 3 साल भी और 4 years का भी होगा, विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस विद इन द पीरियड एंड अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशंस। मोटा भाई साहब पहले क्या होता था,
3 साल का ग्रेजुएशन हुआ, पहले छोड़ के गए तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। लेकिन अब क्या, अब आपको आप 1 साल का भी कोर्स करोगे तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। बोल रहा है अ सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर इन अ डिसिप्लिन और फील्ड इंक्लूडिंग वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एरियाज। तो 1 साल आप जब कोई भी कोर्स कंप्लीट कर लोगे अंडर ग्रेजुएट का तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा, अगर 2 साल कंप्लीट करोगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और बैचलर डिग्री अगर 3 साल का कंप्लीट करोगे तो उसको बैचलर डिग्री मिलेगी। अगर आप 4 ईयर का मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम करोगे तो आपको ऑप्शन रहेगा क्या, एक्सपीरियंस मिलेगा होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के लिए। बोला है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये भी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पे भी एस्टेब्लिश किया जाएगा, जहां से आपके जो इंस्टीट्यूशन के मार्क्स हैं, जो आपका क्रेडिट है वो भी ट्रांसफर किया जाएगा। कह रहा है एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट शैल बी एस्टेब्लिश्ड व्हिच वुड डिजिटली स्टोर द एकेडमिक क्रेडिट अर्न फ्रॉम द वेरियस रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो एबीसी क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मतलब जो मार्क्स लेते हैं वो आप आपके अदर इंस्टीट्यूशन में भी काम आएंगे। नेक्स्ट चलिए क्या रहेगा, द 4 ईयर प्रोग्राम में ऑल्सो बी लीड टू डिग्री विद द रिसर्च। तो 4 साल का जो प्रोग्राम होगा वो उसमें डिग्री भी होगा। इफ द स्टूडेंट कंप्लीट अ रिगोरस रिसर्च प्रोजेक्ट इन देयर मेजर एरिया द स्पेसिफाइड बाय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट चलिए, अब एक चीज और ध्यान में देखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में देखिएगा। ये पार्ट क्या है, क्या कह रहा है, कह रहा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑफर डिफरेंट डिजाइन मास्टर डिग्री प्रोग्राम। तो अलग अलग मास्टर डिग्री प्रोग्राम लाए जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस किस कितने साल का कोर्स जो है मास्टर डिग्री में होगा, तो बीएड के लिए था कितना साल, याद करिए तो सर 1 साल का था, 2 साल का था और 4 साल का था। यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे 1 साल का भी होगा, 2 साल का भी होगा और 5 साल का भी होगा, ये पूछा गया है, तो इसमें ध्यान से पढ़िएगा। आइए कह रहा है ए नंबर, देयर में बी 2 ईयर प्रोग्राम विद द सेकेंड ईयर डिवोटेड एंटायरली टू रिसर्च फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड द 3 ईयर बैचलर प्रोग्राम। अगर 3 साल का बैचलर डिग्री आपने कंप्लीट किया है मतलब अंडर ग्रेजुएट वाला, तो आपको 2 साल का मास्टर्स करना पड़ेगा। कह रहा है फॉर स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग 4 ईयर बैचलर्स प्रोग्राम विद रिसर्च देयर कुड बी ए 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम। अगर किसी ने 4 साल का प्रोग्राम बैचलर डिग्री के साथ किया और उसमें रिसर्च भी इंक्लूड है तो उसको एक साल का मास्टर का प्रोग्राम करना पड़ेगा। और कह रहा है देयर में बी इंटीग्रेटेड 5 ईयर बैचलर कोर्स, अगर उसने 5 साल का बैचलर्स कोर्स कर लिया तब तो फिर उसमें इंक्लूडेड मास्टर्स हो ही जाएगा। हाँ जी सर, तो कह रहा है अंडरटेकिंग ए पीएचडी शैल रिक्वायर आइदर ए मास्टर डिग्री और ए 4 ईयर बैचलर डिग्री। तो पीएचडी करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा, या तो मास्टर्स डिग्री या तो फिर 4 ईयर का बैचलर डिग्री विद रिसर्च, ये वाला मेंशन होगा। और एमफिल को हटा दिया गया, बोला एमफिल प्रोग्राम शैल बी डिसकंटिन्यूड, तो एमफिल हटा। अब देखो पीएचडी करने के लिए पहले क्या लगता था, पहले लगता था सर एमफिल कर लीजिए, एमफिल से पीएचडी कर लीजिए, नेट के थ्रू पीएचडी कर लीजिए या एंट्रेंस के थ्रू। लेकिन अब क्या, बोला भाई साहब ऐसा है कि पीएचडी वो भी कर सकेगा जो 4 साल का कोर्स करेगा विद रिसर्च या फिर 5 साल का मास्टर्स डिग्री करेगा, तो आपको ये पीएचडी करने का बेनिफिट मिल पाएगा। एमफिल को हटा दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ वो इसमें मेंशन है, आप इसको एक बार रीड करके नोट करेंगे सारा चीज आपके समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या देखिए, कह रहा है मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऑफ फॉर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एट पार विद IIT IIMs कॉल्ड मेरू। तो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज के लिए मेरू एस्टेब्लिश किया जाएगा। मेरू का फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। तो मेरू का एस्टेब्लिशमेंट होगा। कह रहा है मेरू विल बी सेटअप एंड विल एम टू अटेन द हाइएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड इन एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन। और मेरू का एम क्या होगा, पर्पस क्या होगा, कि हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच करें क्वालिटी एजुकेशन में। बात क्लियर है, हाँ जी सर। कह रहा है दे विल आल्सो हेल्प द सेट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन अक्रॉस इंडिया। और ये इसमें भी हेल्प करेंगे कि आप हाईएस्ट से हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड मैच कर पाए इंडिया में भी। उसके बाद क्या बोल रहा है, द एनआरएफ विल फंक्शन टू हेल्प इनेबल द सपोर्ट सच ए वाइब्रेंट रिसर्च एंड इनोवेशन कल्चर अक्रॉस हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो देखिए एनआरएफ मतलब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को भी आपका फंक्शन काम करने के लिए किया जाएगा, ताकि आप वाइब्रेंट रिसर्च और इनोवेशन कल्चर के रिसर्च हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कर सके, रिसर्च लैब आएंगे, अदर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी आ सके। चलिए नेक्स्ट चलें, द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विल बी रिवाइज फॉर CBCS सिस्टम रिवाइज किया जाएगा, क्योंकि वो एक अच्छा सिस्टम था इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर आइए, ये देखिए ये ओनली रीड के लिए, अगर आपको मन करे तो इसको रीड कर लीजिएगा, मैं यहां लिख दिया मैंने रीड, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसा आने का चांस है,
ठीक है, कि क्या क्या स्टेप्स लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या कह रहा है, फोर ईयर इंटीग्रेटेड बीएड ऑफर सच मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट विल बी बाय 2030 यानी 2030 तक चार ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स आपको करना ही पड़ेगा। किसके लिए? स्कूल टीचर्स के लिए, जो स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं 12th तक, उसके लिए ये कोर्स करना कंपलसरी हो जाएगा। अब आइए, कह रहा था हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग द फोर ईयर इंटीग्रेटेड बीएड में आल्सो रन अ टू ईयर बीएड। अगर देखिए चार साल का बीएड तो नॉर्मली होता ही है, अब दो साल का भी बीएड चलेगा फॉर स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी रिसीव्ड अ बैचलर डिग्री इन अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। अगर किसी स्टूडेंट ने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रखा है किसी स्पेशलाइज सब्जेक्ट पे, तो उसको दो साल की बीएड डिग्री करना पड़ेगी। और नेक्स्ट, वन ईयर बीएड में आल्सो बी ऑफर्ड फॉर कैंडिडेट्स हु हैव रिसीव्ड अ फोर ईयर अंडरग्रेजुएट डिग्री इन अ स्पेशलाइज सब्जेक्ट। और अगर किसने चार साल की बैचलर की डिग्री कर रखी है तो उसको एक साल का बीएड का कोर्स सिर्फ करना पड़ेगा। ये बात तो, यानी कि बीएड के कितने कोर्स हो गए, एक साल, दो साल और चार साल। क्लियर है बात? हाँ जी। व्हाट अ स्कॉलरशिप फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट विल बी एस्टैब्लिश्ड, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे उसके लिए स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। तो बीएड कितने के लिए होंगे जी, चार साल, दो साल और एक साल के बीएड प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आ गया है आपके प्रीवियस एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर क्या है, कह रहा है 12th ईयर 5 ईयर प्लान इस जो 2012-17 था, एस्टिमेटेड क्या क्या था कि ओनली अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंडियन वर्कफोर्स इन द एज ग्रुप 19 से 24 साल तक, लेस देन 5% जो लोग थे फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन में इनरोल थे, जबकि यूएसए में जो है 52% है, जर्मनी 75% है, साउथ कोरिया 96%। तो इसका मतलब 19 से 24 साल के जो वोकेशनल एजुकेशन है हमारे देश में उसकी कम थी, इस पे ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा बाई 2025 एटलीस्ट 50% ऑफ द लर्नर्स थ्रू द स्कूल एंड द हायर एजुकेशन शैल हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल। अब देखिए 2025 तक उन्होंने टारगेट लिया कि 50% जो लर्नर्स हैं जो स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए, उनको एक्सपोजर मिलेगा किसमें, वोकेशनल एजुकेशन में, जिसके तहत वो टारगेट्स और टाइमलाइन अपना क्लियर कर पाएंगे। ये भी कह रहा है एनएचआरडी विल कॉन्स्टिट्यूट नेशनल कमेटी ऑफ फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। देखिए एनसीआईवी का भी एमएचआरडी जो है वो लेके आएंगे, नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन के लिए एक कमेटी आएगी जिसका नाम होगा एनसीआईवीई। ठीक है, हाँ जी सर, नेक्स्ट चलें। हाँ, कह रहा है डिस्पाइट ऑफ द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च, द रिसर्च एंड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज द ओनली 0.69%। तो देखिए रिसर्च पे कितना खर्च हो रहा है, 0.69%, तो कह रहा है ऑफ जीडीपी, जीडीपी का 0.69% कंपेयर टू द 2.8% यूएस, यूएस में 2.8% जीडीपी का खर्च होता है किसमें, रिसर्च पे, इंडिया में 0.69 है, अमेरिका में सॉरी इसराइल में 4.3% है और साउथ कोरिया में 4.2%। तो इसको बढ़ाने की बात कही जा रही है, कि ये बात ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कितना है इंडिया में, 0.69% ओनली। क्लियर है? हाँ जी सर। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, बात समझिएगा, कह रहा है टू बिल्ड दीज वेरियस एलिमेंट ऑफ सिनर्जेटिक मैनर एंड देयर बाय ट्रूली ग्रो द कैटलाइज द क्वालिटी रिसर्च इन द नेशन, द दिस पॉलिसी इन्वेजन्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनआरएफ, एनआरएफ का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा ताकि आप सिस्टमेटिक तरीके से रिसर्च करें। कह रहे हैं एनआरएफ विल प्रोवाइड अ रियलेबल बेस ऑफ मेरिट बेस्ड बट इक्विटेबल पीयर रिव्यूड रिसर्च फंडिंग। ये बात ध्यान रखिएगा कि एनआरएफ क्या देगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, वो देगा कि रिलेबल बेस्ड, मेरिट बेस्ड आपको क्या देगा, पीयर रिव्यूड रिसर्च देगा। ठीक है, पीयर रिव्यूड रिसर्च किया हुआ आपको मिलेगा, उसके लिए फंडिंग मिलेगी और करेगा हेल्पिंग टू डेवलप ए कल्चर ऑफ रिसर्च, और एक रिसर्च का कल्चर को डेवलप करने में ये हेल्प करेगा। क्लियर है? हाँ जी सर। अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ये भी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये सारा चीज शुरू किया जाएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, HR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एज वेल एज वेरियस प्राइवेट एंड फिलेंट्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू टू इंडिपेंडेंटली। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली चलेंगे। तो द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द एनआरएफ विल बी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया और पूछा जाएगा। ठीक है, चार है, चारों रट लीजिएगा। पहला क्या बोला, फंड कॉम्पिटिटिव पीयर रिव्यूड ग्रांट प्रपोजल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ
टाइप्स एंड अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स। सी ग्रो एंड फैसिलिटेट रिसर्च एज एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। एक्ट एज ए लाइजन बिटवीन द रिसर्च एंड द रिलेवेंट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। पूछा गया क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं ये। Act as a liaison between the researcher and relevant branches of government as well as industry or recognize outstanding research and progress. तो ये चार very 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 important, इसको याद कर लीजिएगा। Next चलें, कह रहा है these four structure will be set up four independent verticals within the umbrella institution। देखिए चार institution set किया जाएगा और उसकी एक body होगी main body that is called Higher Education Commission of India। HECI और इसके अंदर चार होगी। चार कौन कौन सी बॉडी होगी? तो कह रहा था फर्स्ट वर्टिकल ऑफ हेसी विल बी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC के तहत। कह रहा इट विल फंक्शन द कॉमन सिंगल पॉइंट रेगुलेटर। सिंगल पॉइंट रेगुलेटरी बॉडी होगी ये हेसी फॉर द हायर एजुकेशन सीनियर इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन एंड एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल। ये देखिए एक्सक्लूड कर दिया मेडिकल और लीगल एजुकेशन के लिए, ये बॉडी नहीं होगी। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कौन सा ऐसा बॉडी है जो मेडिकल और लीगल के लिए नहीं है, बाकी सब के लिए, या फिर ऑप्शन में दे देगा सारा उसमें मेडिकल और लीगल भी इंक्लूड कर देगा। पूछेगा बताइए कौन सी बॉडी है जो ये देख रही है। तो मेडिकल और लीगल को छोड़कर ये सारी बॉडी को देख रहा है कौन? हेसी। ठीक है, तो सेकेंड वर्टिकल हेसी, देखिए सेकेंड वर्टिकल मतलब पहला, ये पहला था NHERC। ठीक है, पहला किसके अंदर? हेसी के अंदर, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो पहली बॉडी क्या थी जी? पहली बॉडी थी NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। किसके लिए? रेगुलेटरी बॉडी है सिंगल, और इसको देखने के लिए किसके लिए? हायर एजुकेशन सेक्टर इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन, इसको, बट मेडिकल और लीगल को नहीं देखने के लिए। मेडिकल सेक्टर और लीगल के लिए अलग है। अब चलिए दूसरी बॉडी पे आते हैं। कहता है सेकंड वर्टिकल हेसी विल बी मेटा एक्रेडिटिंग बॉडी। ये एक्रेडिशन के लिए बॉडी होगी कॉल नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल। तो NAC नेक हो, पहले NAAC होता था, नेशनल एक्रेडिशन एकेडमिक काउंसिल, है ना, लेकिन अब जो बॉडी बनेगी इसके लिए नेक होगा, NAC हो एक्रेडिशन के लिए। थर्ड वर्टिकल हेसी का जो होगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो होगा हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन HEGC। किसके लिए? फंडिंग देने के लिए। कह रहा विच विल कैरी आउट द फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन बेस्ड ऑन द ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया। तो ये फंडिंग के लिए। और चौथी बॉडी जो होगी वो होगा जनरल एजुकेशन काउंसिल, जो फ्रेम क्या करेगा? लर्निंग आउटकम्स को, हायर एजुकेशन के प्रोग्राम्स को और ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स को, ये सारा काम। तो ये चार बॉडी आपके नजर में आ गई, कौन कौन सी? सबसे पहले सर हेसी, जो है एक बॉडी होगी सिंगल रेगुलेटरी बॉडी, उसके अंदर का चार बॉडी NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, किसके लिए? रेगुलेटरी के लिए, मेडिकल और लीगल को छोड़कर। दूसरा नैक बॉडी जो एक्रेडिशन के लिए NAC। तीसरा है क्या? NHEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, फंडिंग के लिए। और चौथी बॉडी हो गई जनरल एजुकेशन काउंसिल, आपका लर्निंग आउटकम्स और इसके लिए सर ये हो गया हायर एजुकेशन के प्रोग्राम के लिए। अब नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NHEQF विल बी फॉर्मेटेड बाय GEC। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि GEC के अंतर्गत नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क भी दिया जाएगा और एक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये किसके अंदर आएगा सर? दो के अंदर, GEC के अंदर दो चीजें आएंगी, क्या? NHEQF एक ये और एक NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। याद करना है, कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखिएगा हेड बॉडी है हेसी और उसके अंदर ये चार बॉडी। चलिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको इस पर थोड़ा ज्यादा टाइम दिया। अब चले पार्ट थर्ड आ गया। अब पार्ट थर्ड, सेकंड हायर एजुकेशन खत्म, अब पार्ट थर्ड आ गया। पार्ट थर्ड में देखें सर, पार्ट थर्ड में बहुत कम चीजें। देखिए टेक्निकल एजुकेशन इंक्लूड करेगा डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट कैटेगरी। ये ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इससे कि टेक्निकल एजुकेशन में क्या क्या चीज इंक्लूड हो सकता है। तो ये सारी चीजें टेक्निकल में होंगी, इसके अलावा जो भी होगा वो टेक्निकल में इंक्लूड नहीं होगा। क्या क्या? इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग और टेक्नोलॉजी। ये सारा चीज किसमें है सर? आपका टेक्निकल एजुकेशन में। चलिए ये हो गया, नेक्स्ट चला जाए। जी सर, यूनेस्को ने डिक्लेयर किया 197 लैंग्वेज इंडेंजर्ड, किया वेरियस अनस्क्रिप्टेड लैंग्वेज पार्टिकुलरली इंडेंजर्ड। ये तो भाई साहब आप उसमें भी पढ़ेंगे। चलिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत एक प्रोग्राम होगा जिसमें 100 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को क्या किया जाएगा? कंट्री में आइडेंटिफाई किया जाएगा और वहां पे बच्चों को भेजा जाएगा कि वो डेस्टिनेशन पे उनको समझने के लिए हिस्ट्रिक, साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिशन और इंडिजिनियस लिटरेचर नॉलेज के लिए। ठीक है, ये काम
किया जाएगा। तो क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, याद रखिएगा। कह रहा है फॉर दिस एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI विल बी एस्टेब्लिश, इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन भी एस्टेब्लिश किया जाएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाली पर्शियन एंड प्राकृत विल ऑल्सो बी सेटअप इन द, हाँ देखिए पाली पर्शियन और प्राकृत ये तीन लैंग्वेज थे बताया था मैंने, उसके लिए भी एन नेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है ऑटोनोमस बॉडी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी NETF फोरम, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को भी स्टेब्लिश किया जाएगा। क्यू विल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, आइडियाज के फ्री एक्सचेंज के लिए आपको क्या, ताकि आप इसको यूज कर सकें टेक्नोलॉजी को एनहांस करने में, लर्निंग में, असेसमेंट में, प्लानिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड सो ऑन बोथ स्कूल और हायर। तो NETF दोनों के लिए होगा, हायर और आपका स्कूल दोनों एजुकेशन के लिए NETF एक बॉडी होगी जो आइडियाज के लिए बेसिकली होंगे, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम कहा जाएगा, और क्या प्रोवाइड करेंगी, प्लेटफॉर्म देंगे फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए द NETF विल हैव द फॉलोइंग फंक्शन, और NETF के फंक्शन VVI इसको देख लीजिएगा, चारों के चारों फंक्शंस पूछे जाएंगे, प्रोवाइड इंडिपेंडेंट एविडेंस बेस्ड एडवाइस सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज होगी, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इनमें इंटरवेंशन होगा, याद रखिएगा ये आपका आना ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये नहीं आएगा, चार ऑप्शन दिख गया आपको ये तो पूछेगा ही पूछेगा। कह रहा बिल्ड इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, इनविजन स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट एरियाज इन डोमेन, और आर्टिकुलेट न्यू डायरेक्शन एंड इनोवेशन, तो ये भी पूछा जाएगा आपका। देखिए टीचिंग लर्निंग का ई कंटेंट के लिए विल कंटिन्यू डेवलप ऑल स्टेट्स इन रीजनल लैंग्वेजेस, अच्छा टीचिंग लर्निंग के ई कंटेंट आपको मिलेंगे आपके रीजनल लैंग्वेज पर, किसके द्वारा, NCERT, CIT, CBSE, NOIS एंड अदर बॉडीज इंस्टीट्यूशंस विल बी अपलोडेड बाय दीक्षा प्लेटफॉर्म, दीक्षा प्लेटफॉर्म में ये सारे कंटेंट आपको आपके लैंग्वेज में मिलेंगे। ठीक है, कह रहा है NRF में कंसीडर द थ्री प्रोगोंड अप्रोच, एडवांस कोर AI रिसर्च, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, डेवलपिंग डिस्प्लेड एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च ये भी होगा, और एडवांसिंग इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट टू एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस इन एरियाज सच एज हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंजेस यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो NRF को थोड़ा हाई लेवल का रिसर्च बनाया जाएगा ना, जो एडवांस कोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा, डेवलपिंग बेस्ड होगा, एप्लीकेशन बेस्ड, और तीसरा एडवांस इंटरनेशनल लेवल का रिसर्च बेस्ड काम होगा। चलिए हाँ जी, कह रहा है गिविंग द इमर्जेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, कैसे कैसे आएगा ये बात दिया गया है आपका, पायलट स्टडीज होगा डिजिटल, इसको एक बार देख लीजिएगा, वैसा कुछ खास में है नहीं। चलिए कह रहा है रिमॉडल ऑफ द रीजनरेटेड कैब, कैब को दोबारा लिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग आर्टिकुलेटिंग एंड इवेल्युएटिंग द रिविजन ऑफ द विजन एजुकेशन इन द कंट्री ऑफ ए कंटिन्यूस बेसिस, तो कैब को फिर से लाया जाएगा। कह रहा टू ब्रिंग फोकस बैक ऑन एजुकेशन लर्निंग, इट इज डिजायरेबल दैट द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बी रीडिजाइन एज ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखिए बोल रहा है फोकस बैक करने के लिए आप मिनिस्ट्री MHRD को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना दिया जाएगा, मतलब अब जो पहले था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वो अब कहलाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलिए द सेंटर ऑफ द स्टेट्स विल वर्क टुगेदर इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन सेक्टर में 6% GDP का खर्च करने की बात की गई है। चलिए देखिए जी ये हो गया आप कहानी खत्म, अब क्या, अब आपका ये डेटा है इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये मेरा ऐसा संभावना है, बस दो ही पेज का तो है ये, तो बेसिकली ABC जो मेनली NEP पे बेस्ड है, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको चैनल पे ये डाल दूंगा, ये बात ध्यान रखिएगा, और ये दो वीडियो जिसने लगा लिया उसके 4 नंबर पक्के, इस बात की एश्योरिटी मैं देता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।